अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वासिफ हसन और आप देख रहे हैं लाहौर हैंगआउट, जहां मैं आपको दिखाता हूं ज़बरदस्त और डिलीशियस खाने और मैं आपको बताता हूं उनके बारे में कि उनका टेस्ट कैसा है। तो आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे आया हूं जिसका नाम है नाश्ता, और ये लोग स्पेशलाइज़ करते हैं ऑफकोर्स जैसे इनका नाम है नाश्ते में। और आज हम यहाँ से इनके होममेड कुजीन है ये, और हम इनसे ट्राई करेंगे इनके घर के बने छोटे पाए, साथ में हम मटन हरीसा ट्राई करेंगे और हम कोशिश करेंगे साथ में हम इनके मुर्ख चने भी ट्राई कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि हमें इनका नाश्ता हमें पसंद आएगा। और चूँकि लाहौर का मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और बारिश भी हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस मौसम में पाए और साथ में हरीसा, ये इस मौसम के साथ आपको इंतहाई मज़ा देंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नाश्ता, जो कि PIA रोड पे है, तो आप अगर यहाँ आना चाहें तो लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके आप लोगों ने मुझे अपने तासरात, ख्यालात, एहसासात, जज्बात और अपने फीडबैक से ज़रूर आपने मुझे आगाह करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट और शेयर सबने ज़रूर करना है। तो जी, ये छोटे पाए हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये अगला पाया है और ये बड़ा पाया है और ये साथ में एक और छोटा पाया है। तो आज हम मटन पाए ट्राई करने लगे हैं और हम फिर आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन मुझे अभी, मैंने सिर्फ इसको हाथ लगाया है तो मेरे हाथ चिपचिप करने शुरू हो गए हैं, मेरी ये उंगलियाँ जो हैं चिपचिप कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट में तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो अभी इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और ये देखें जी, देखने में कितने ज़बरदस्त हैं। साथ में जी ये कुलचे हैं। अभी इसके बाद हमने हरीसा भी ट्राई करना है, मटन हरीसा होगा और मटन हरीसा भी ट्राई करेंगे और ये पाए भी ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम कुलचों के साथ गरम गरम पाए, और मौसम बड़ा ठंडा है तो इन पायों का मुझे लगता है कि मज़ा तो आने वाला है। बहुत ही सॉफ्ट और जबरदस्त किस्म के गले हुए पाए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी पाए हैं। अच्छा, ये मुझे मसाला दे के गए हैं कि मसाला डालने, लेकिन मेरा ख्याल मसाले की ज़रूरत नहीं है, मसाले के बगैर ही बहुत आला टेस्ट है इनका। थोड़े से स्पाइसी वैसे हैं, लेकिन टेस्ट बहुत कमाल है। गर्म बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल नरम और सॉफ्ट पाए हैं और बहुत अच्छे बने हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि PIA रोड पे ये एक नई जगह ओपन हुई है जिसका नाम है नाश्ता। तो ये अभी सिर्फ सर्व कर रहे हैं तीन चीज़ें जिसमें ये स्पेशलाइज करते हैं। एक है ये पाए, दूसरे इनके मुर्ख चने हैं, और तीसरी इनकी चीज़ है मटन हरीसा। अभी हमने मटन हरीसा भी ट्राई करना है, कोशिश करेंगे अगर थोड़े से हम चने भी ट्राई कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि हमें बाकी चीज़ों को भी टेस्ट पसंद आएगा। पाया अगर आप देखें तो आप लोग देखें, मैं ज़रा इसको खाता हूँ, शोरबा बहुत, मेरे हाथ जो है ना वाकई, अभी मेरी दोनों उंगलियाँ चिपक रही हैं, का मतलब है कि ये बहुत ज़बरदस्त बने। तो जी, ये तड़का तैयार हो रहा है और तड़का लगेगा इसको, हरीसा, मटन हरीसा ना, तो मटन हरीसे को ये तड़का लगेगा। और अभी हम ये मटन हरीसा ट्राई करेंगे, देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन एक्चुअली तो खा के पता चलेगा। ये जी, इसके छोटे छोटे से मटन कबाब, ओहो,
अगर आप नाश्ता से नाश्ता करें तो ये मटन हरीसा 250 ग्राम्स आपको मिलेगा 300 रुपीज़ का। तो देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा। तो अभी इसको ट्राई करते हैं, जल्दी से इसको ट्राई करते हैं क्योंकि बस इसको तड़का तकरीबन लग ही चुका है। इसको जल्दी से ट्राई करते हैं स्पेशल कुलचे के साथ और फिर आपको बताते हैं कि इसका एक्चुअली टेस्ट कैसा है। अभी हमने पाए ट्राई किए, पायों का टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था और मुझे लगता है कि हरीसा भी इतना ही लाजवाब होगा। ये है जी 250 ग्राम की सर्विंग। तो जी मटन हरीसा देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, साथ में ये स्पेशल कुलचा है और मटन हरीसा अब मैं ट्राई करने लगा हूँ। मुझे देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे उम्मीद है ये टेस्ट में भी इतना ही ज़बरदस्त होगा। तो इसको ट्राई करते हैं। मौसम चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है आज लाहौर में, तो इस सर्दी में हमने पाए ट्राई किए और साथ में अभी मटन हरीसा ट्राई करेंगे। तो सर्दियों में अगर आप लोगों ने मटन हरीसा नहीं खाया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग PIA रोड से नाश्ता जो जगह है यहाँ से आके मटन हरीसा ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको भी मटन हरीसा जितना मुझे देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही आपको भी लग रहा होगा और आपका भी दिल कर रहा होगा कि आप लोग ये ट्राई करें। तो फिर मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उसे फॉलो करें और यहाँ पे आएँ और इंशाल्लाह आपको मटन हरीसे का बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी मटन हरीसा स्पेशल कुलचे के साथ ट्राई करते हैं। अभी इसको तड़का लगा है और इसमें ज़बरदस्त ये छोटे से बीफ कबाब है, ये देखें ये बीफ कबाब सॉरी मटन कबाब। और अभी इसको ट्राई करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आया। बीफ कबाब थोड़े से सख्त है लेकिन टेस्ट बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। हरीसे का जैसा टेस्ट होना चाहिए ना वैसा ही बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है। और अभी मैंने अपने को तड़का लगता भी खाया, ये गरम गरम है। कमाल गया है, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन आपको मिलेगी, आप लोग उसको ज़रूर आए ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा मेरा कहना है नमक थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन टेस्ट है कमाल। अच्छा जी ये हैं सादा चने और सादा चनों की प्लेट जो है वो है 100 रुपये की। तो अब साथ में ये हरीसे के साथ, अभी हरीसा मैंने ट्राई किया, अभी सादा चने ट्राई करते हैं। इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना चिकन भी नज़र आ रहा है, तो चनों का टेस्ट देखते हैं जी कैसा है। टेस्ट इनका भी अच्छा है लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो हरीसा और पाए पसंद आया। अच्छा मैं आपको एक चीज़ इनकी ख़ास बात बता दूँ, इनकी ख़ास बात यह है कि ये इनके घर के बने हुए चीज़ें हैं सारी और साफ़ सुथरी चीज़ें हैं और उनमें टेस्ट और जायका सिर्फ इसी वजह से है कि ये एक्चुअली घर में बनी है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत पुरानी इडली है, बिल्कुल नई इडली है, फ्रेश, आज पहला दिन है इनका। तो टेस्ट तो तीनों चीज़ों का ही अच्छा है, मुझे सिर्फ हरीसे में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगा लेकिन टेस्ट हरीसे का भी। और हमने पाए ट्राई किए, छोटे पाए हैं मटन हरीसा है और साथ में देसी मूंग चने। अभी हमने मूंग चने भी हमने सादा चने ट्राई किए जो कि टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अगर यहाँ पे आए तो आपको ज़्यादा पसंद आएगी और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। और आप लोगों ने कमेंट में अपने मुझे तासुरात ख्याल और एहसास और जज्बात और अगर आपको ये चीज़ें देख के आपके मुँह में पानी आया तो आपने मुझे वो भी ज़रूर बताना है। थैंक यू।